जब भी इस रास्ते से कहीं भी आना जाना होता था, चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो, चाहे बहुत तेज़ बारिश हो रही हो या बहुत तेज़ धूप लग रही हो, यहाँ पे एक ताऊजी हमेशा कंकड़ तोड़ते हुए मुझे दिखाई देते थे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज इनके बारे में ही आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और इनकी जुबानी इनकी कहानी सुनते हैं। हाय हेलो एंड नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तल्ला जोहार के लाज हिकला के पनेलिया से। थोड़ा आपसे बातचीत करते हैं, अब आप हिंदी में करेंगे या फिर पहाड़ी में करेंगे? जबा जमा को है जमा को नहीं। चलो हिंदी में ही करते हैं फिर। और बहुत मनी पहाड़ में ले बुलान को। सबसे पहले आपका नाम ताऊ जी? नाम? हाँ नाम जसपाल सिंह भाई। आपकी उम्र? उम्र होगी मेरी 78 साल। बस यही रोड़ी का काम कर सका तो, नहीं कर सका तो कुछ नहीं है। प्राइवेट क्या किया है, फिटबल्टी में थोड़ा बहुत काम किया। तो ताऊ जी ने बताया कि वो इससे पहले जो है पीडब्ल्यूडी विभाग में एक प्राइवेट वर्कर के तौर पर काम कर चुके हैं, और हालांकि आजकल ये लगभग 20-25 साल से कंकड़ तोड़कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनसे पूछने पर ये पता चला कि ये दिन का लगभग 1.5 से 2 कट्टा कंकड़ तोड़ लेते हैं, और ये लगभग 1 कट्टा इनका 50 से 60 रुपए में बिक जाता है। और साथ ही मैंने बातों बातों में इनसे ये भी पूछ लिया कि 7-8-9 को जो बादल फटा था उसकी कुछ बहुत जानकारी है तो आप बता दें करके। उसके विषय में क्या जानकारी देता हूँ यार, फिर मैं आप ऐसा रात का मामला ठहरा। हाँ बादल आप वो सोए ठहरे, उनको क्या पता ऐसा होता है करके। लट्टी पट्टी छुभ गया, पैसा 5 पैसा भी नहीं मिला हमको, मकान शकान छुप गया, कुछ नहीं होता है। तो इनसे बात करके ये पता चला कि गांव में जो नीचे साइड इनके खेत और मकान हुआ करते थे वो टूट गए, और साथ ही इन्होंने कहा कि इनको ना कोई मदद मिली, ना कोई मुआवजा मिला, ना कोई सहायता मिली। खेत बहुत गए यार मेरे, 10-15 खेत, अच्छे अच्छे 10-15 खेत गए। बातचीत आगे बढ़ी तो पता चला जिन खेतों में ये धान की रोपाई लगाते थे तो उस आपदा के दौरान वो खेत भी टूट गए, और हालत अब कुछ ऐसी हुई कि कुछ बहुत खेत बचे जिनमें ये अब मात्र साग सब्जी लगा पाते हैं और थोड़ा बहुत ही खेती कर पाते हैं। तो अब बता रहे थे कि आधे से ज़्यादा सामान तो जो है खाने के लिए बाजार से खरीदना होता है। घर में कुछ नहीं है, खूब खरीदने था। तो आपदा के बाद कुछ थोड़ा बहुत तो आपको राहत या मुआवजा कुछ मिला? हाँ राहत मिला, कुछ नहीं मिला, इसलिए मजबूरी लेबरी के पीछे लगे हैं। ये भी आप उतना होता है नहीं। अच्छा तो आप करते करते एक और सवाल मेरे जहन में था तो मैंने ताऊजी से पूछ ही लिया कि जो ये इनका कंकड़ तोड़ने का काम है ये खुद के हिसाब से तोड़ते हैं या फिर किसी के डिमांड पे तोड़ते हैं? तो ताऊजी ने बताया कि डिमांड पे नहीं बल्कि ये मैं खुद के हिसाब से तोड़ता हूँ, अगर कोई ख़रीदार आ गया तो तब जाके ये कंकड़ बेचने का काम करते हैं। लेबरी शेबरी होता है नहीं, अब क्या बुढ़ापा में क्या लेबरी होती है। रोज आते हैं आप यहाँ? हाँ तीसरे चौथे दिन। हाँ कभी एक महीने में ना। पहले तो आप यहाँ रोज आते थे चाहे धूप हो बारिश हो, आज तो फिर भी ठीक है मौसम। आज तो अब नहीं होता उतना काम। कहते हैं ना कि समय बड़ा ही बलवान होता है, आज देखने को भी मिला क्योंकि कुछ साल पहले तक यहाँ पे ताऊजी बहुत कंकड़ तोड़ा करते थे और आज ताऊजी खुद कह रहे हैं कि अब मेरे से उतनी मेहनत नहीं हो पाती है। जब मेहनत की बात आई गई है तो बातों ही बातों में ताऊजी से ये भी पूछ लिया कि उनका बचपन कैसा रहा था, तो बड़ा ही सुंदर जवाब दिया ताऊजी ने। गाय के शौक जाने वाले ठहरे, गाय आय चराने वाले ठहरे। उस टाइम आपके समय में वो समय में धरती आसमान का अंतर हो गया। जैसे क्या क्या अंतर हो गया ताऊ जी? अब अंतर बहुत अंतर हो गया है। उस टाइम खेती पाती होने वाला ठहरा और कोई गाय भैंस चराने वाले थे, कोई बकरी कोई कुछ कोई कुछ। अब जैसे लट्टा पट्टा सब गया, वहाँ सब इधर उधर चले गए।
गांव में भी आप कमकमी आदमी है, सो बाहर गए लौटे मोटे, यहाँ कुछ नहीं ठहरा रोजगार भी, इसलिए कुछ नहीं ठहरा यहाँ, खाली एक डेरा ठहरा शुभ का। उनका दौर अब बस एक याद है, और वो याद कुछ इस तरीके से है कि ताऊ जी ने कहा कि उनके ज़माने में वो गाय भैंस चराने जंगल जाया करते थे, धिनाली भी भरपूर मात्रा में होती थी, खाने पीने की लगभग कोई कमी नहीं होती थी, और आज का दौर है कि लोग ये सब कामों से बहुत दूर हैं। बहुत ख़ास बात तो मुझे तब सुनने को मिली जब इन्होंने कहा कि अब लोग अपने गाँव के घरों को घर ना समझकर एक डेरा समझते हैं, और साल दो साल में बस कभी कभार उन्हें देखने के लिए आ जाते हैं। ये बात वास्तव में दिल को छू जाने वाली थी। दिनाली होने वाली ठहरी घर से, ये बाजार में कुछ नहीं खरीदना पड़ता था, आटा चावल खरीदते थे नहीं बाजार से तब, हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार का, हाँ और तो खेती से हो जाते। खेती में लगभग क्या क्या चीज़ें होती थी उन दिनों? वो गेहूँ हो गया, और मंडुआ हो गया, कौन हो गया, धान हो गया, और गेहूँ हो गए, और मखूर हो गया, और भट हो गया, चांदी का रुपया एक, और पीतल का, और ये तामा का एक आना दो आना, एक डबल दो डबल, बाद में ये सिल्वर का एक नया पैसा दो नया पैसा आने वाला था सिल्वर का। अब वो पुराण के ना चार आना आठ आना ये डबल में बी डबल में कितो, तब का एक रुपया आज के लगभग कितने रुपये के बराबर हुआ? वो एक रुपया आजकल का कम से कम 100 का काम करता था, वो एक रुपया तो पुराने समय में बहुत हुआ, दस रुपये का सेठ ठहरा, जो जिसके बाद 10 रुपये होंगे उसको सेठ कहते थे, जिसके बाद 100 रुपया होता वो शोकार होता था। आजकल आप एक 1000 जेब में डालो तो शाम को धोने में ही सामान नहीं आ रहा है, इतना महंगाई होगी। और समय पुराने से ये समय अच्छा है। अच्छा, घर घर में लेटरिन घर है, घर घर में पानी है। तो ताऊ जी ने बताया कि आज के रुपये और तब के रुपये में कितना अंतर हो गया है। तब के चांदी और तांबे के सिक्के हुआ करते थे जिनकी बहुत अहमियत होती थी, और आज हम 1000 रुपये अगर मार्केट लेके जाते हैं तो शाम को ना उसमें से रुपये वापस आते हैं, ना बैग भर के सामान आता है। आज के ज़माने में तो उजाला करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रोचक बातें तो मुझे तब पता चली जब यही बात मैंने ताऊ जी से पूछा कि उनके ज़माने में उजाला कैसे किया करते थे। उस टाइम कोई बिजली नहीं ठहरी, इसके पास ठहरा तो ये मोटी तेल का उजाला ठहरा, ये गैस और लैम्फू ये ठहरा उस टाइम, वो चूल्हा ठहरा उस टाइम, ये निंगालू का कोई ये लकड़ी का चूल्हा होता था, वो जगा के जाते थे। आजकल लाइट हुआ, ये दयाल कहते थे उसको, वो निकल मिलता है ये चीड़ के पेड़ों से, एक जंगल का निंगाल कहते हैं उसको, वो सूखा तो उसको भी छूल कहते हैं, उसका उजाला करते थे बाहर इधर उधर जाने में वो चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे में टॉर्च आया, टॉर्च फिर ये गैस कहते हैं गैस, फिर भात बरिया तो मैं वो जाने वाले ठहरा टू डे की बरिया ठहरी। आजकल सब वो सामान कुछ नहीं है, और जहाँ पर पहले पर फिर रेडियो चला, फिर टेप चला, आजकल सब टीवी में हो रहा है, टीवी हलो हलो। आपके ज़माने की शादी में और आज के ज़माने के शादी में कुछ अंतर आया है? बिल्कुल अंतर है। क्या क्या अंतर आया ताऊ जी? आज बहुत अंतर आया है, उस टाइम 7-12-13 वर्ष की शादी होती थी, 13-14-15 वर्ष के, आजकल 18-22 से जो नीचे करेगा तो वो कानून के अंदर है। अच्छा, आजकल अच्छा समय है। तो आजकल का समय ठीक है पहले का समय? उसका वो समय ये अच्छा है। पहले के समय में क्या अच्छा था? पहले के समय में आदमी कोई ज़बरदस्ती करते थे, भैया मेरे पास ये जो ज़मीन है ये है सो है, वो लड़की देने की, आजकल अपने मर्जी का है, जहाँ पर लड़की का तबीयत आएगा वहाँ चले जाएगी वो। अच्छा, उसमें किसी का रोक ठोक नहीं था। उस टाइम मजबूरी भी होने वाले ठहरे, तुम जाओ जब लड़की का तबीयत नहीं है, लड़के का तबीयत नहीं है, ऐसा। तो चलिए अब ताऊ जी से ये पूछते हैं कि उनके ज़माने में शादी कैसे होती थी। और कभी तेरे पास जय जात
कदी लेट पर छ ओ पोछु बहुत ए बा घर छोड़ छौ वी छोड़ दी नीर भाई जे भाई एक चोल छौ वो जो बैंक धान में कमर बड़ोरो वाल कुनीर बा ओ बहुत अच्छा जे बा नौकरी हो वे छोड़ ली घर होना जय बा घर छोड़ बल्द है ना बा जय बा घर छोड़ सब वही दे ही मा आगुना वही दे ही ना आगुना ना 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 को ब्याह की ब्याह हाँ तो नौकरी चना कर चना ब्यावाई यो हो कुना अच्छा वो घर काम आ कर ध्यान नहीं बजा यो समय मा सब नौकरी मा ध्यान से मेहनो अच्छा अब ये नौकरी का मिल नहीं है अच्छा ताऊ जी अच्छा हाल जो यो मनोरंजन करना था मोबाइल छ न टीवी छ और हर एक चीज छ ए अमरदाबाद में और भजन कीर्तन भाई के नाम जब सांसेर गए थे सांसेर सांसेर ओ छल कोतिक भाई आयो त्यौहार बिहार भाई और वो बहुत सांसेर गए नहीं भाई हुड़ मिजूर बजू नहीं भाई वो बहुत समय में अच्छा हाल समय में सब के नाम जब टीवी सामान का हुड़ का मिजूर का सांसेर तो समय यो का ख्याल यो दरो समय है गोमे आपने पढ़ा था स्कूल खाले वा दशकत करना सीखा हमने हो गया तो चलिए जी इन्हीं कुछ सवालों के साथ आज के आओ अपने पहाड़ पहचाने के इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले एपिसोड में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।